स्वागत है आपका मंथली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं प्रश्न। दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा आमतौर पर पूरे देश में कब तक फैलती है? ए मध्य जून, बी जून का अंत, सी मध्य जुलाई, डी जुलाई का अंत। आंसर सी मध्य जुलाई। एक्सप्लेनेशन, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार आमतौर पर मानसून की बारिश केरल में 1 जून के आसपास शुरू होती है और जुलाई के मध्य तक पूरे देश में फैल जाती है, जिससे चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना जैसी प्रमुख फसलों की बुआई में मदद मिलती है। अगला प्रश्न। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए जापान, बी फ्रांस, सी भारत, डी USA। आंसर डी USA। एक्सप्लेनेशन, भारतीय वायुसेना IAF की एक टुकड़ी हाल ही में प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए अलास्का के एल्सिन एयरफोर्स बेस पर पहुंची। इसका आयोजन दो फेज में नेवादा में नेलिस एयरफोर्स बेस और अलास्का में एल्सिन एयरफोर्स बेस पर आयोजित किया जा रहा है। साल 1975 से रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ए जल शक्ति मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। आंसर ए जल शक्ति मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा की है। इस प्रोग्राम के तहत रिसर्च स्कॉलर विद्यार्थियों को इंटर्न के रूप में शामिल किया जाएगा। इंटर्नशिप की अवधि 6 से 9 महीने की होगी। इंटर्नशिप कार्यक्रम पूरा होने पर उम्मीदवारों को ₹15,000 प्रति माह का मानदेय और इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगला प्रश्न। हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 29 मई, बी 30 मई, सी 31 मई, डी 1 जून। आंसर बी 30 मई। एक्सप्लेनेशन, हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। उदंत मार्तन भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। उदंत मार्तन का प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता में हुआ था। इस दिवस के मनाए जाने का उद्देश्य हिंदी पत्रकारिता में योगदान देने वाले पत्रकारों का सम्मान करना है। अगला प्रश्न। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 29 मई, बी 30 मई, सी 31 मई, डी 1 जून। आंसर सी 31 मई। एक्सप्लेनेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू सेवन के खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साल 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की घोषणा की थी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का थीम बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना है। किस संस्था को WHO से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए PGIMAR, बी IIT बेंगलुरु, सी निमहंस, डी एम्स। आंसर सी निमहंस। एक्सप्लेनेशन, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमहंस बेंगलुरु को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न। किस संगठन ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन EV सूचकांक लॉन्च किया? ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सी IRDAI, डी SEBI। आंसर ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक्सप्लेनेशन, भारतीय शेयर बाजार NSE की एक इकाई NSE इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स लॉन्च किया है। इस इंडेक्स का नाम निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स है। यह इंडेक्स इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों और नई तकनीक वाली गाड़ियों और इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा। अगला प्रश्न। किस देश में विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया गया है? ए चीन, बी जापान, सी USA, डी जर्मनी। आंसर बी जापान। एक्सप्लेनेशन, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जापानी शोधकर्ताओं द्वारा बनाया गया है, जिन्होंने कहा कि उनके छोटे घनाकार यान जिसका नाम लिग्नोसेट है, इसे मैग्नोलिया लकड़ी से तैयार किया गया है तथा किसी भी पेंच या गोंद का उपयोग करने की बजाय पारंपरिक जापानी लकड़ी की तकनीक का उपयोग किया गया है। इसे सितंबर में SpaceX रॉकेट पर उड़ा दिया जाएगा। क्योटो विश्वविद्यालय और लॉगन कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित प्रायोगिक उपग्रह के प्रत्येक पक्ष की माप केवल 10 सेंटीमीटर 4 इंच है। अगला प्रश्न। भारत में किस मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र घोषित किया गया? ए सिक्किम, बी कॉमिक, सी
किब्बर डी टशीगंग आंसर डी टशीगंग एक्सप्लेनेशन हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्व का सबसे ऊंचा 15,256 फुट की ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र टशीगंग में इस बार विधानसभा उपचुनाव व मंडी लोकसभा सीट के लिए एक साथ मतदान हुआ। चीन सीमा से 10 किलोमीटर दूर ये मतदान केंद्र है। इससे पहले स्पीति का हिक्किम सबसे ऊंचा मतदान केंद्र था। टशीगंग मतदान केंद्र पहली बार साल 2019 के लोकसभा चुनाव में स्थापित किया गया था। इस केंद्र पर 100% मतदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। टशीगंग मतदान केंद्र आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था। ऐसे में सभी मतदाताओं का परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। यहां मतदाताओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की नई अधिकतम सीमा क्या है? ए 10 लाख रुपए, बी 15 लाख रुपए, सी 20 लाख रुपए, डी 25 लाख रुपए, आंसर डी 25 लाख रुपए। एक्सप्लेनेशन, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग डॉपो ने महंगाई भत्ते की दर 50% तक पहुंचने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने के निर्देश जारी किए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली? ए NDA, बी इंडिया, सी BSP, डी निर्दलीय। आंसर ए NDA। एक्सप्लेनेशन, लोकसभा चुनाव 2024 के वोटों की गिनती 4 जून को संपन्न हुआ। NDA गठबंधन को 295 सीटें मिली तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 231 सीटें जीतने में सफलता मिली है तथा अन्य के खातों में 17 सीटें मिली। देश भर में BJP 242 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी तो वहीं कांग्रेस 98 सीटें जीतकर दूसरी बड़ी दल बनकर उभरी। अगला प्रश्न, हाल के लोकसभा चुनाव 2024 में भारत ने कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया? ए आचार संहिता के उल्लंघन की सबसे अधिक संख्या, बी बूथ कैप्चरिंग घटनाओं की कुल संख्या सबसे अधिक, सी मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक, डी पुनर्मतदान की सबसे अधिक घटनाएं। आंसर सी मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक। एक्सप्लेनेशन, भारत ने लोकसभा चुनाव में 64.2 करोड़ मतदाताओं के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड 31.2 करोड़ महिला मतदाताओं ने हिस्सा लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 3 जून 2024 को मीडिया को जानकारी दी। अगला प्रश्न, अप्रैल 2024 में हुए सिक्किम विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया? ए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM, बी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट SDF, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, डी भारतीय जनता पार्टी भाजपा। आंसर ए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM। एक्सप्लेनेशन, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM रविवार को हिमालयी राज्य में विधानसभा चुनावों में 32 में से 31 सीटें जीतकर सत्ता में लौट आया। विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट केवल एक सीट ही जीत सका। सिक्किम विधानसभा के चुनाव 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के साथ ही हुए थे। अगला प्रश्न, अप्रैल 2024 में हुए अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? ए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM, बी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट SDF, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, डी भारतीय जनता पार्टी भाजपा। आंसर डी भारतीय जनता पार्टी भाजपा। एक्सप्लेनेशन, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी BJP सत्ता में लौट आई है। भाजपा ने 60 में से 46 सीटें जीतकर प्रचंड जीत हासिल की। विधानसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के साथ मतदान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 10 सीट पहले ही निर्विरोध जीत ली थी। अधिकारियों के अनुसार जिन 50 सीट पर मतदान हुआ उनमें से भाजपा ने 36 सीट पर जीत दर्ज की और मुख्यमंत्री पेमा खांडू निर्विरोध जीतने वाले 10 उम्मीदवारों में से एक हैं। अगला प्रश्न, अमित पंघाल ने किस श्रेणी में अपना ओलंपिक कोटा हासिल किया? ए पुरुषों की 57 किग्रा, बी पुरुषों की 51 किग्रा, सी महिलाओं की 51 किग्रा, डी महिलाओं की 57 किग्रा। आंसर बी पुरुषों की 51 किग्रा। एक्सप्लेनेशन, भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने रविवार को पुरुषों के 51 किलोग्राम वर्ग में प्रतिष्ठित पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। उन्होंने बैंकॉक में विश्व मुक्केबाजी क्वालिफाई में चीन के लियू चुआंग पर 5-0 के क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज की। 2024 के चुनावों में किस लोकसभा सीट ने नोटा द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनाया? ए इंदौर, बी दिल्ली सेंट्रल, सी मुंबई दक्षिण, डी बेंगलोर उत्तर। आंसर ए इंदौर। एक्सप्लेनेशन, 2024 के लोकसभा चुनाव की मतगणना में इंदौर में नोटा उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प को 2 लाख से अधिक वोट मिले। इसने नोटा को मिले सर्वाधिक वोटों का एक नया रिकॉर्ड बनाया।
भारत में 2014 के लोकसभा चुनाव में नोटा के विकल्प की सुविधा मतदाताओं को चुनाव आयोग ने उपलब्ध कराई थी। नोटा का विकल्प लागू करने वाला भारत विश्व का 14वां देश था। अगला प्रश्न, ओडिशा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती? ए बीजू जनता दल BJD, बी भारतीय जनता पार्टी भाजपा, सी CPIM, डी कांग्रेस। आंसर डी भारतीय जनता पार्टी भाजपा। एक्सप्लेनेशन, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य विधानसभाओं के लिए वोटों की गिनती 4 जून 2024 को की गई थी। दोनों राज्यों में मौजूदा सरकारों को सत्ता गंवानी पड़ी। ओडिशा में BJP को 147 में से 78 तो BJD को 51 सीटें मिली। राज्य में भाजपा पहली बार पूर्ण बहुमत से अकेले सरकार बनाएगी। अगला प्रश्न, चीन के चांद 6 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए पानी के लिए चंद्रमा की सतह का पता लगाना, बी चंद्रमा पर मानवयुक्त मिशन संचालित करना, सी चंद्र आधार स्थापित करना, डी चंद्रमा के सुदूर हिस्से से दुनिया के पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करना। आंसर डी। एक्सप्लेनेशन, चीन ने इस क्षेत्र से पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करने के उद्देश्य से 2 जून 2024 को चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान चांद E6 उतारा। चांद E6 में 4 उपकरण, ऑर्बिटर, लैंडर, असेंडर और री एंट्री मॉड्यूल है। इस मिशन के जरिए चंद्रमा पर धूल और चट्टानों के नमूने एकत्र करने के बाद असेंडर उन्हें ऑर्बिटर तक पहुंचाएगा, जो नमूनों को री एंट्री मॉड्यूल को स्थानांतरित करेगा। अगला प्रश्न, ICC OD प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला? ए रोहित शर्मा, बी बाबर आजम, सी विराट कोहली, डी ट्रेविस हेड। आंसर सी विराट कोहली। एक्सप्लेनेशन, भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला और उन्हें न्यूयॉर्क में ICC पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 के लिए भी चुना गया, क्योंकि उनकी टीम 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ T20 विश्व कप का पहला मैच खेलने की तैयारी कर रही है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 3 जून, बी 4 जून, सी 5 जून, डी 6 जून। आंसर सी 5 जून। एक्सप्लेनेशन, पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बनाए रखने के लिए हर साल 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP एक नोडल एजेंसी है। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। आंसर डी बिहार। एक्सप्लेनेशन, भारत ने रामसर सम्मेलन के तहत नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अपने नए आर्द्रभूमि घोषित किया है। ये आर्द्रभूमि क्षेत्र बिहार के जमुई जिले में झाझा वन क्षेत्र के भीतर स्थित है। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। भारत अब रामसर साइटों के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। UK 175 साइट्स के साथ टॉप पर है। अगला प्रश्न, नेपाल के किस नदी पर अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ए अरुण नदी, बी त्रिशूली नदी, सी कोसी नदी, डी गंडकी नदी। आंसर ए अरुण नदी। एक्सप्लेनेशन, नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल के संखुआ सभा जिले में 900 मेगावाट अरुण 3 जलविद्युत परियोजना की 11.8 किलोमीटर लंबी हेडवेज टनल के लिए उत्खनन के पूरा होने के उपलक्ष्य में अंतिम विस्फोट कर सुरंग का उद्घाटन किया। अरुण 3 जलविद्युत परियोजना का निर्माण SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड SAPDC द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अरुण नदी बेसिन में सतत जल विद्युत उत्पादन के माध्यम से क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ए जोस बटलर, बी रोहित शर्मा, सी विराट कोहली, डी बाबर आजम। आंसर बी रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 472 इंटरनेशनल मैच खेलकर 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और आयरलैंड के मुकाबले के दौरान उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। इसके बाद 553 छक्कों के साथ क्रिस गेल दूसरे नंबर पर है। शाहिद अफरीदी ने 476 छक्के लगाए हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा के किस संस्करण को भंग कर दिया है?
ए 16वीं संस्करण, बी 17वीं संस्करण, सी 18वीं संस्करण, डी 19वीं संस्करण। आंसर बी 17वीं संस्करण। एक्सप्लेनेशन। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। वहीं राष्ट्रपति ने पीएम और उनकी मंत्रिपरिषद से नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभाले रखने का निवेदन किया है। कैबिनेट की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड 2 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17वीं लोकसभा को भंग करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से खास मेहमान भाग लेंगे? ए शेख हसीना, बी रानिल विक्रम सिंघे, सी पुष्प कमल दहल, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी उपरोक्त सभी। एक्सप्लेनेशन। नरेंद्र मोदी अपना तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में 9 जून 2024 रविवार को शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू सहित विश्व के कई नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तैयार हैं। मोदी सरकार 3.0 में कितने मंत्री बने? ए 70, बी 71, सी 72, डी 73। आंसर बी 71। एक्सप्लेनेशन। नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिपरिषद में पिछली सरकार के अधिकतर प्रमुख चेहरों को शामिल किया गया। इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर ने शपथ ली। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में नए चेहरों में मनोहर लाल खट्टर, सीआर पाटिल, शिवराज सिंह चौहान, बंडी संजय कुमार और रवनीत सिंह बिट्टू शामिल हैं। नई गठबंधन सरकार में 71 मंत्रियों की सूची में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। विभागों की घोषणा अभी नहीं की गई है। अगला प्रश्न। अगले 5 वर्षों में कौन कौन से नए फैसले ले सकती है एनडीए सरकार? ए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता, बी एक राष्ट्र एक चुनाव, सी समान नागरिक संहिता कानून, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी उपरोक्त सभी। एक्सप्लेनेशन। 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लिया है। उनका तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों वाला होगा, जिनमें मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव, समान नागरिक संहिता कानून, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में भारत को स्थायी सदस्यता, स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत का विस्तार और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना इत्यादि है। अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। आंसर सी रक्षा मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श सेवा केंद्रों के लिए बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। इसके बाद स्पर्श सेवाएं देश भर में कुल 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध होंगी। ये सेवा केंद्र स्पर्श के लिए पेंशन भोगियों के लिए एक इंटरफेस बन जाएंगे, जो उनके प्रोफाइल को अपडेट करने, शिकायत दर्ज करने, डिजिटल वार्षिक पहचान डेटा सत्यापन के अलावा उनकी मासिक पेंशन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी माध्यम प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 6 जून, सी 7 जून, डी 8 जून। आंसर सी 7 जून। एक्सप्लेनेशन। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस WFSD हर साल 7 जून को मनाया जाता है। ये दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा संयुक्त रूप से सदस्य देशों और अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से मनाया जाता है। ये दिवस हर साल एक विशिष्ट थीम के साथ मनाया जाता है, जो इससे जुड़े अभियानों की मदद करता है। अगला प्रश्न। 7 जून 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई वर्तमान नीति रेपो दर क्या है? ए 6.25%, बी 6.50%, सी 6.75%, डी 7.00%। आंसर बी 6.50%। एक्सप्लेनेशन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लगातार 8वीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक 5, 6 और 7 जून 2024 को हुई। पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले दिन पीएम किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी की? ए 15वीं किस्त, बी 16वीं किस्त, सी 17वीं किस्त, डी 18वीं किस्त। आंसर सी 17वीं किस्त।
एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी सोमवार को तीसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभाल लिया है। साथ ही पहले ही दिन पीएम ने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर कर लिया। इससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा और लगभग 20,000 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में वितरित किए जाएंगे। अगला प्रश्न: हाल ही में किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. उत्तराखंड, डी. गुजरात। आंसर: सी. उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन: उत्तराखंड सरकार ने 1 और 2 जून 2024 को मसूरी पहाड़ों की रानी में भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा आयोजित किया। उद्घाटन कार्यक्रम जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर आयोजित किया गया था, जो दून घाटी और हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाओं के शानदार दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसका उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही रोमांच पसंद लोगों और यात्रियों को उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए ब्रह्मांड के आश्चर्यों को देखने के लिए आकर्षित करना है। अगला प्रश्न: हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? ए. रूस, बी. अमेरिका, सी. इटली, डी. ब्रिटेन। आंसर: ए. रूस। एक्सप्लेनेशन: वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में रूस भारत को तेल का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना रहा। दिसंबर में आयात 25% बढ़ा, जो देश में लाए गए कच्चे तेल का लगभग एक तिहाई हिस्सा था। $3.92 बिलियन पर रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति का मूल्य साल दर साल 25% बढ़ गया। अगला प्रश्न: फ्रेंच ओपन टेनिस 2024 का खिताब किसने जीता? ए. राफेल नडाल, बी. कार्लोस अल्काराज, सी. अलेक्जेंडर ज्वेरेव, डी. नोवाक जोकोविच। आंसर: बी. कार्लोस अल्काराज। एक्सप्लेनेशन: स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने 9 जून 2024 को रोलैंड गैरोस में 5 सेट के फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता। कार्लोस अल्काराज का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अल्काराज 2022 में अमेरिकी ओपन और 2023 में विंबलडन खिताब जीत चुके हैं। 21 साल की उम्र में अल्काराज तीनों सतहों मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न: किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं ने दूध और दूध उत्पादों पर सबसे अधिक खर्च किया? ए. उत्तर प्रदेश, बी. उड़ीसा, सी. कर्नाटक, डी. हरियाणा। आंसर: डी. हरियाणा। एक्सप्लेनेशन: हरियाणा के ग्रामीण इलाके में लोग सबसे ज्यादा पैसे दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स पर खर्च करते हैं। यह उनके खाने के खर्च का 41.70% है। वही भारत के दक्षिणी राज्य केरल में लोग खाने के खर्च का 23.5% हिस्सा मांस, मछली और अंडे जैसे मांसाहार भोजन पर खर्च करते हैं। 10 जून 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ए. पवन कुमार चामली, बी. हेमंत सोरेन, सी. बायचुंग भूटिया, डी. प्रेम सिंह तमांग। आंसर: डी. प्रेम सिंह तमांग। एक्सप्लेनेशन: सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग ने 10 जून 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में हुआ, जहां राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अगला प्रश्न: कौन सी फिल्म 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF की शुरुआती फिल्म होगी? ए. बिली एंड मॉली, ए. क्वार्टर लव स्टोरी, बी. अतीत की गूंज, सी. दिल की कहानियां, डी. जीवन भर की यात्रा। आंसर: ए. बिली एंड मॉली, ए. क्वार्टर लव स्टोरी। एक्सप्लेनेशन: 18वें MIFF की शुरुआती फिल्म बिली एंड मॉली एन क्वार्टर लव स्टोरी होगी, जो 15 जून 2024 को मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे और चेन्नई में स्क्रीनिंग के साथ महोत्सव की शुरुआत करेगी। महोत्सव की समापन फिल्म वह फिल्म है जो गोल्डन कोंच जीतती है और 21 जून 2024 को प्रदर्शित की जाएगी। अगला प्रश्न: फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली इगा स्वीटेक किस देश की खिलाड़ी है? ए. फ्रांस, बी. पोलैंड, सी. जर्मनी, डी. USA। आंसर: बी. पोलैंड। एक्सप्लेनेशन: इगा स्वीटेक ने जैस्मिन पावलिनी को हराकर लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन महिला खिताब जीता। पोलैंड की 23 वर्षीय 2005 से 2007 तक जस्टिन हिनिन के बाद पेरिस में लगातार 3 ट्रॉफियां जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। इगा वर्तमान में महिला टेनिस संघ द्वारा महिला एकल में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी है। अगला प्रश्न: कौन होगा नए सेना अध्यक्ष? ए. मनोज पांडे, बी. अजीत डोभाल, सी. उपेंद्र द्विवेदी, डी. आर. हरि कुमार। आंसर: सी. उपेंद्र द्विवेदी।
एक्सप्लेनेशन, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी देश के नए सेना प्रमुख होंगे। वह मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज सिंह पांडे की जगह लेंगे, जो कि 30 जून को रिटायर होंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की इन्फेंट्री जम्मू और कश्मीर राइफल्स में ज्वाइन किया था। जनरल द्विवेदी की नियुक्ति में सरकार ने वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया है। अगला प्रश्न, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? ए. मोहन चरण मांझी, बी. प्रभाती परिडा, सी. संबित पात्रा, डी. कनक वर्धन सिंह दे। आंसर ए. मोहन चरण मांझी। एक्सप्लेनेशन, ओडिशा को 24 साल बाद नया सीएम मिला है। मोहन चरण मांझी बनेंगे मुख्यमंत्री। राज्य में दो उप मुख्यमंत्री भी होंगे, कनक वर्धन सिंह देव और प्रभाती परिडा उप मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर अंतिम मुहर लग गई। 12 जून को शपथ ग्रहण है, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। MotoGP भारत का 2025 संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? ए. पुणे ज़िगवी स्पीडवे, बी. बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, सी. चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट, डी. मुंबई रेसिंग ट्रैक। आंसर बी. बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। एक्सप्लेनेशन, भारत बहुप्रतीक्षित MotoGP का संस्करण 2025 से 2029 तक का आयोजन बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में करेगी। यह एक प्रीमियर दो पहिया मोटरस्पोर्ट महाकुंभ है। पहले यह इवेंट 2024 में होना था, लेकिन मौसम की स्थिति के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और अब इसे मार्च 2025 के लिए निर्धारित किया गया है। MotoGP के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब इवेंट प्रमोटर बन गई है। इस रेस आयोजन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दे दी है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ए. डी. राजा, बी. चंद्रबाबू नायडू, सी. पवन कल्याण, डी. नारा लोकेश। आंसर बी. चंद्रबाबू नायडू। एक्सप्लेनेशन, तेलुगु देशम पार्टी TDP प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने चौथे कार्यकाल के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वहीं जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बता दें कि नायडू के साथ 24 अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। अगला प्रश्न, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में है, ये किस राज्य में है? ए. ओडिशा, बी. राजस्थान, सी. मध्य प्रदेश, डी. उत्तर प्रदेश। आंसर डी. उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य SWS में बाघों की आबादी के साक्ष्य मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक नया बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों में स्थित है। इस अभयारण्य की स्थापना साल 1988 में की गई थी। अगला प्रश्न, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? ए. 5, बी. 6, सी. 7, डी. 8। आंसर सी. 7। एक्सप्लेनेशन, पीएम मोदी ने नेतृत्व वाली नई सरकार में कुल 7 महिला मंत्रियों को स्थान मिला है, जिनमें 2 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री की रैंक की मंत्री है। 2 कैबिनेट मंत्रियों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हैं। वहीं अन्य राज्य मंत्रियों में शोभा करंदलाजे, निमुबेन जयंतीभाई बामनिया, सावित्री ठाकुर, रक्षा निखिल खत्से और अनुप्रिया पटेल शामिल हैं। अगला प्रश्न, जून 2024 में आयोजित समुद्री अभ्यास JIMEX-24 किन देशों की नौसेनाओं के बीच था? ए. जापान और दक्षिण कोरिया, बी. भारत और ऑस्ट्रेलिया, सी. भारत और जापान, डी. भारत और चीन। आंसर सी. भारत और जापान। एक्सप्लेनेशन, जापान भारत समुद्री अभ्यास JIMEX-24 11 जून 2024 को जापान के योकोसुका में शुरू हुआ। JIMEX-24 भारतीय नौसेना व जापान समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देगा। यह अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भारतीय नौसेना और JMSDF के बीच परिचालन बातचीत को सुगम बनाता है। 2024 में तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? ए. तापिर गाओ, बी. किरेन रिजिजू, सी. पेमा खांडू, डी. नबाम तुकी। आंसर सी. पेमा खांडू। एक्सप्लेनेशन, भाजपा नेता पेमा खांडू को अरुणाचल प्रदेश में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में फिर से चुना गया। पेमा खांडू लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। वह 13 जून 2024 को अपने मंत्रिमंडल के साथ पद की शपथ लिया। वह 2016 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न, G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां के लिए रवाना हुए? ए. जापान, बी. कनाडा, सी. फ्रांस, डी. इटली। आंसर
दी इटली एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए 13 जून को इटली रवाना हो गए। ये प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा है। पीएम 14 जून को आउटरीच सत्र में भाग लेंगे, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर केंद्रित होगा। वह इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी जी 7 से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात कर सकते हैं। इटली में 13 से 15 जून तक आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में चल रहे युद्ध और गाजा में संघर्ष का मुद्दा छाए रहने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ANSA किसे नियुक्त किया गया? ए प्रमोद कुमार मिश्रा, बी अजीत डोभाल, सी अमित खरे, डी तरुण कपूर। आंसर, बी अजीत डोभाल। एक्सप्लेनेशन, अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ANSA नियुक्त किया गया है। अजीत डोभाल को पहली बार 20 मई 2014 को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। तब से डोभाल ही इस पद को संभाल रहे हैं। 1968 बैच के IPS अधिकारी अजीत डोभाल को कूटनीतिक सोच और काउंटर टेररिज्म का विशेषज्ञ माना जाता है। उधर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये जिम्मेदारी प्रमोद कुमार मिश्रा ही संभालते रहेंगे। अगला प्रश्न, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ए 123, बी 125, सी 129, डी 130। आंसर, सी 129। एक्सप्लेनेशन, विश्व आर्थिक मंच WEF ने हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 रिपोर्ट पेश की है। पिछले साल की तुलना में भारत इस साल 2 स्थान नीचे खिसकर 129वें स्थान पर आ गया है। पिछले एक दशक से पहले स्थान पर रहने वाला आइसलैंड ने इस साल भी अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत से पहले बांग्लादेश 99, नेपाल 111, श्रीलंका 125 और भूटान 124 का स्थान है। वहीं पाकिस्तान 145वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? ए प्रोफेसर देवेंद्र लाल, बी सी वी रमन, सी सत्येंद्र नाथ बोस, डी विक्रम साराभाई। आंसर, ए प्रोफेसर देवेंद्र लाल। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने मंगल ग्रह पर थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र के भीतर स्थित 3 नए क्रेटरों को भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थानों के नाम पर रखे हैं। सबसे बड़े क्रेटर का नाम प्रसिद्ध कॉस्मिक रे भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर स्वर्गीय देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया है। वहीं मुरसान क्रेटर का नाम भारत के उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर से लिया गया है, जबकि हिलसा क्रेटर का नाम भारत के बिहार के हिलसा शहर के नाम पर रखा गया है। 12 जून 2024 को किस देश में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से लगभग 45 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 50 घायल हो गए? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी कतर, डी कुवैत। आंसर, डी कुवैत। एक्सप्लेनेशन, 12 जून 2024 को कुवैत के दक्षिणी शहर मंदाफ में 7 मंजिला एक इमारत में बुधवार को भीषण आग लग गई थी, जिसमें 195 प्रवासी श्रमिक रहते थे। इस घटना में कम से कम 45 भारतीय कामगारों की मौत हो गई और 50 अन्य घायल हो गए। वायुसेना का सुपर हरक्यूलिस विमान कुवैत से 45 शवों को लेकर शुक्रवार को भारत आ चुका है। विमान केरल के कोची में उतरा है, क्योंकि ज्यादातर मृतक वहीं के थे। इसके बाद विमान दिल्ली आएगा। यहां से शव संबंधित राज्यों में भेजे जाएंगे। साथ में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी मौजूद थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा आयोजित NET UG परीक्षा का उद्देश्य क्या है? ए MBBS, BDS, आयुष और संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, बी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, सी प्रबंधन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, डी कानून पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए। आंसर, ए MBBS, BDS, आयुष और संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए। एक्सप्लेनेशन, NEET UG भारत भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, आयुष और संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NTA द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा है। NEET UG 2024 के रिजल्ट जारी होने के बाद लगातार विवादों में बना हुआ है, जिसकी वजह है इस प्रवेश परीक्षा में बड़ी संख्या में NEET UG 2024 कई उम्मीदवारों का अच्छा प्रदर्शन, जिसके चलते छात्रों से लेकर परिजनों तक इस रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इन परिणामों की जांच करने की मांग उठाई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया? ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी यूनेस्को, सी वर्ल्ड बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर, सी वर्ल्ड बैंक। एक्सप्लेनेशन, विश्व बैंक ने हाल ही में S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के सहयोग से कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI जारी किया है। CPPI दुनिया भर के 405 बंदरगाहों के व्यापक डेटा सेट पर आधारित है, जो अब तक का सबसे बड़ा डेटा सेट है। बता दें कि विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने इस रैंकिंग में 18वां स्थान हासिल किया है।
अगला प्रश्न। नासा भारत में किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टीड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहे हैं? ए आईआईटी वाराणसी, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी दिल्ली, डी आईआईटी मुंबई। आंसर बी आईआईटी मद्रास। एक्सप्लेनेशन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास और नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी JPL के शोधकर्ता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर मल्टीड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहे हैं। आईआईटी मद्रास और नासा के JPL के बीच सहयोगात्मक प्रयास वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा भारत को लौटाई जा रही मूर्ति किस संत का है? ए संत आदि शंकराचार्य, बी संत कबीर, सी संत तिरुमंकई अलवर, डी संत रामानुज। आंसर सी संत तिरुमंकई अलवर। एक्सप्लेनेशन, ब्रिटेन की जानी मानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक संत की 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति भारत को लौटाने पर सहमति जताई है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह तमिलनाडु के एक मंदिर से चुराई गई थी। विश्वविद्यालय के एशमोलियन संग्रहालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि 11 मार्च 2024 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की काउंसिल ने एशमोलियन संग्रहालय से संत तिरुमंकई अलवर की 16वीं शताब्दी की कांस्य मूर्ति की वापसी के लिए भारतीय उच्चायोग के दावे का समर्थन किया। यह फैसला अब अप्रूवल के लिए चैरिटी आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसा किस राज्य में हुआ? ए बिहार, बी सिक्किम, सी पश्चिम बंगाल, डी झारखंड। आंसर सी पश्चिम बंगाल। एक्सप्लेनेशन, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर दूर रंगापानी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के पीछे से टकराने के कारण अगरतला से आ रही 13,174 कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें कम से कम 15 यात्री मारे गए और 60 अन्य घायल हो गए। रेलवे ने मरने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, ग्लोबल पीस इंडेक्स विश्व शांति सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ए आइसलैंड, बी डेनमार्क, सी न्यूजीलैंड, डी आयरलैंड। आंसर ए आइसलैंड। एक्सप्लेनेशन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा प्रकाशित ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2024 में आइसलैंड विश्व में 163 देशों में सबसे शांतिपूर्ण देश बनकर शीर्ष पर रहा है। भारत 116वें स्थान पर है। 2008 में सूचकांक शुरू होने के बाद से आइसलैंड लगातार 17 वर्षों से शीर्ष पर बना हुआ है। आइसलैंड के पास कोई स्थायी सेना, वायुसेना, नौसेना नहीं है, जिसके कारण उसकी शांति की रेटिंग बहुत ऊंची है। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, ये किस नदी पर है? ए सतलज, बी झेलम, सी सिंधु, डी चिनाब। आंसर डी चिनाब। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि संगलदान रियासी ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हो गया है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब को पार करने का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये पुल जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर लगभग 109 फीट ऊपर बनाया गया था और एफिल टॉवर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस राज्य में स्थित है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। आंसर सी मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को रखने की तैयारी कर ली है, जो भारत में कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान KNP के बाद चीतों का दूसरा घर होगा। बता दें कि 17 सितंबर 2022 को MP के श्योपुर जिले में KNP में 8 नामीबियाई चीतों को बाड़ों में छोड़ा गया था। बाद में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को साल 1974 में अधिसूचित किया गया था, जो राजस्थान की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न, वार्षिक मुस्लिम तीर्थयात्रा हज कहाँ होती है? ए काहिरा, बी मक्का, सी मदीना, डी जेरूसलम। आंसर बी मक्का। एक्सप्लेनेशन, दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक वार्षिक हज यात्रा आधिकारिक तौर पर शुक्रवार 14 जून 2024 को सऊदी अरब में शुरू हुई। 20 लाख मुस्लिम तीर्थयात्री अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। मुस्लिम श्रद्धालु सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में ग्रैंड मस्जिद में इस्लाम के सबसे पवित्र तीर्थस्थल काबा के चारों ओर घूमते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? ए तक्षशिला विश्वविद्यालय, बी उदंतपुरी विश्वविद्यालय, सी नालंदा विश्वविद्यालय, डी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आंसर
सी नालंदा विश्वविद्यालय। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। ये कैंपस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे खिलजी वंश के आक्रमणकारियों ने करीब 800 साल पहले जला दिया था। नए परिसर का निर्माण कार्य साल 2017 से प्रारंभ किया गया और 19 जून 2024 को इसका उद्घाटन हुआ। करीब 455 एकड़ के दायरे में फैला ये कैंपस विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस माना जाता है। इसकी इमारतें कुछ इस तकनीक से बनाई गई हैं, जो गर्मी में ठंडी और ठंड के दिनों में गर्म बनी रहती हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की दो एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं। इनमें 40 क्लासरूम्स बनाए गए हैं और 300 सीटों वाला एक एक भव्य ऑडिटोरियम बनाया गया है। अगला प्रश्न, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी भारत। आंसर डी भारत। एक्सप्लेनेशन, भारतीय वायुसेना के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन अगस्त में किया जाएगा। इसमें पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल कुछ अन्य देशों के अलावा 10 देशों की भागीदारी देखने की संभावना है। यह अभ्यास अब दो चरणों में आयोजित होगा। पहला अगस्त के पहले दो सप्ताह में दक्षिणी भारत में होगा और दूसरा अगस्त के अंत से सितंबर के मध्य तक पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ए 156, बी 166, सी 176, डी 186। आंसर सी 176। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में साल 2024 का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स एपी जारी किया गया। इसमें भारत की नवीनतम रैंकिंग 180 देशों में से 176वीं है। भारत इस बार अपनी पिछली रैंकिंग के मुकाबले मामूली सुधार कर पाया है। इस रैंकिंग को येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किया गया, जो वायु गुणवत्ता, जैव विविधता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रदर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया? एपीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा, बीएमपी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा, सीएमपी रिवर क्रूज सेवा, डीपीएम राज्य बस सेवा। आंसर एपीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा। एक्सप्लेनेशन, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के 180 दिन पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भोपाल से पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने नई सेवा के टिकट बुकिंग काउंटर का उद्घाटन किया और यात्रियों को बोर्डिंग पास भी प्रदान किए। यह मध्य प्रदेश सरकार का धार्मिक, पर्यटन एवं स्वास्थ्य और जन कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। अगला प्रश्न, टी20 विश्व कप 2024 में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन है? ए शाहीन शाह अफरीदी, बी लॉकी फर्ग्यूसन, सी जसप्रीत बुमराह, डी ट्रेंट बोल्ट। आंसर बी लॉकी फर्ग्यूसन। एक्सप्लेनेशन, लॉकी फर्ग्यूसन ने टी20 विश्व कप 2024 में त्रिनिदाद में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ खेले गए आखिरी लीग मैच में एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। न्यूजीलैंड ने यह मैच 7 विकेट से जीता और लॉकी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लॉकी फर्ग्यूसन ने टी20 विश्व कप मैच में किसी गेंदबाज द्वारा फेंके गए सर्वाधिक मेडन ओवर 4 का रिकॉर्ड बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है? ए स्वयं और समाज के लिए योग, बी समाज के लिए योग, सी करे योग रहे निरोग, डी योग में युवा योगदान। आंसर ए स्वयं और समाज के लिए योग। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग के विशेष अवसर पर होने वाले योग आयोजनों और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक विशिष्ट थीम अपनाया जाता है। साल 2024 का थीम स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किन फसलों के लिए MSP में वृद्धि की है? ए रबी, बी खरीफ, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी खरीफ। एक्सप्लेनेशन, सरकार ने खरीफ सीजन 2024-25 के लिए 14 फसलों के MSP को मंजूरी दी है। धान, कपास, बाजरा, दलहन और तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि होने से किसानों को लाभ होगा। धान का नया MSP 2300 रुपये किया गया है, जो पिछली MSP से 117 रुपये अधिक है। कपास का नया MSP 7,121 और एक दूसरी किस्म के लिए 7,521 रुपये पर मंजूरी दी है, जो पिछली MSP से 501 रुपये ज्यादा है। अगला प्रश्न,
दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बनने वाला है? ए मलेशिया, बी फिलीपींस, सी थाईलैंड, डी वियतनाम। आंसर सी थाईलैंड। एक्सप्लेनेशन: थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला राष्ट्र बनेगा जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। राज्य के सीनेट ने 18 जून को विवाह समानता बिल को मंजूरी दी, जिसके बाद समर्थकों ने इसे LGBTQ जो अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम कहा। अभी थाईलैंड के राजा की औपचारिक मंजूरी लेनी होगी, इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। ताइवान द्वारा 2019 और नेपाल में 2023 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के बाद विवाह समानता की अनुमति देने वाला थाईलैंड एशिया में तीसरा देश बन जाएगा। अगला प्रश्न: फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? ए ओलिवर हेलेंडर, बी टोनी केराना, सी थॉमस रोहल्ला, डी नीरज चोपड़ा। आंसर डी नीरज चोपड़ा। एक्सप्लेनेशन: ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2024 को फिनलैंड के तुर्कू में पावो नुरमी स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने कल रात 85.97 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ 8 पुरुषों के बीच शीर्ष स्थान हासिल किया। फिनलैंड के टोनी केरानन ने रजत जबकि उनके हमवतन ओलिवर हेलेंडर ने कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न: नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू होंगे? ए 1 जनवरी 2024, बी 1 अप्रैल 2024, सी 1 जुलाई 2024, डी 1 अक्टूबर 2024। आंसर सी 1 जुलाई 2024। एक्सप्लेनेशन: नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 को लागू होंगे। नए आपराधिक कानूनों द्वारा IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? ए भर्तृहरि महताब, बी रामनाथ कोविंद, सी राजनाथ सिंह, डी ओम बिरला। आंसर ए भर्तृहरि महताब। एक्सप्लेनेशन: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव तक महताब अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अगला प्रश्न: ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी रूस, सी भारत, डी चीन। आंसर बी रूस। एक्सप्लेनेशन: ब्रिक्स खेलों का आयोजन रूस के कजान में 12 जून से किया जा रहा है। इन खेलों में भारतीय महिला और पुरुष टेनिस टीम ने कांस्य पदक जीता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है जिसमें आर्थिक संघ ब्रिक्स से जुड़े देश भाग लेते हैं। अगला प्रश्न: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी, ये किस राज्य में बनाया जाएगा? ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। आंसर सी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन: पीएम मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में 76,220 करोड़ रुपए की वधावन बंदरगाह वाधवन पोर्ट परियोजना को मंजूरी दे दी। ये भारत के सबसे बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट में से एक है। यह आगामी भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर IMEC और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर INSTC के लिए प्रवेश द्वार बंदरगाह के रूप में कार्य कर सकता है। वधावन बंदरगाह एक ग्रीनर फील्ड पोर्ट होगा। अगला प्रश्न: T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ए आदिल रशीद, बी अक्षर पटेल, सी एडम जंपा, डी संदीप लामिछाने। आंसर डी संदीप लामिछाने। एक्सप्लेनेशन: नेपाल के स्पिनर संदीप लामिछाने T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। संदीप ने 54 T20 इंटरनेशनल मैच में अपने 100 विकेट पूरे किए। उन्होंने ICC T20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एक मैच में यह उपलब्धि हासिल की। सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के राशिद खान के नाम है, जिन्होंने 53 मैच में अपने 100 विकेट पूरे किए थे। अगला प्रश्न: विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ही माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए SBI, बी PNB, सी येस बैंक, डी HDFC बैंक। आंसर ए SBI। एक्सप्लेनेशन: हाल ही में विदेश मंत्रालय और SBI ने ई माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को अपने भुगतान गेटवे SBPay के माध्यम से बैंक की एक अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
ई-माइग्रेट पोर्टल को साल 2014 में लॉन्च किया गया था। इस इंटीग्रेशन का मकसद भारतीय प्रवासी श्रमिकों, भर्ती एजेंटों और पोर्टल के अन्य यूजर्स के लिए एक अतिरिक्त डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रदान करना है। उड़ीसा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया? ए. मुकेश महाली, बी. सुरमा पाड़ी, सी. नवीन पटनायक, डी. मोहन चरण मांझी। आंसर बी. सुरमा पाड़ी। एक्सप्लेनेशन: वरिष्ठ भाजपा नेता सुरमा पाड़ी को गुरुवार को निर्विरोध उड़ीसा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। नयागढ़ जिले के रानपुर विधानसभा क्षेत्र से दो बार की विधायक पाड़ी इस पद के लिए अकेली उम्मीदवार थी। किसी अन्य उम्मीदवार के नहीं होने के कारण पाड़ी को निर्विरोध चुन लिया गया। अगला प्रश्न: कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया? ए. संयुक्त अरब अमीरात, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. यूनाइटेड किंगडम, डी. नीदरलैंड। आंसर सी. यूनाइटेड किंगडम। एक्सप्लेनेशन: वाणिज्य विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि यूनाइटेड किंगडम यूके मई 2024 में भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बनने के लिए चीन से आगे निकल गया है। पिछले साल मई में ब्रिटेन भारत का छठा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था। ब्रिटेन को निर्यात मई में एक तिहाई बढ़कर 1.37 अरब डॉलर हो गया, जबकि चीन को निर्यात पिछले महीने 3% बढ़कर 1.33 अरब डॉलर हो गया। अगला प्रश्न: किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इच्थियोफिस एसपीपी एक अंगहीन उभयचर की नई पहचान की गई? ए. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी. रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सी. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, डी. सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। आंसर ए. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक्सप्लेनेशन: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य के जीव जंतुओं में एक अंगहीन उभयचर को शामिल किया गया है। असम के वन्यजीव अधिकारियों ने कहा कि हर्पेटोफौना विज्ञानियों की एक टीम ने बाघ अभयारण्य में तीव्र हर्पेटोफौना सर्वेक्षण के दौरान पहली बार धारीदार सिसिलियन इच्थियोफिस पीपी को दर्ज किया है। हर्पेटोफौना और उभयचर, जिन्हें सामूहिक रूप से हर्पेटोफौना कहा जाता है, सबसे कम अध्ययन किए गए हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील हैं। सिसिलियन अंगहीन उभयचर होते हैं जो अपना अधिकांश जीवन मिट्टी के नीचे बिताते हैं। चूंकि वे एक प्राचीन प्रजाति हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति विकास और अंतर्महाद्वीपीय प्रजाति विकास से महत्वपूर्ण संबंध रखती है। अगला प्रश्न: किस पूर्वोत्तर राज्य में 5,000 से अधिक म्यांमार शरणार्थियों ने शरण ली? ए. नागालैंड, बी. मिजोरम, सी. असम, डी. मणिपुर। आंसर डी. मणिपुर। एक्सप्लेनेशन: म्यांमार में हवाई बमबारी और हमलों के डर से 5,000 से अधिक म्यांमार शरणार्थियों ने मणिपुर के कामजोम जिले में शरण ली। ये शरणार्थी पिछले वर्ष नवंबर से सीमावर्ती जिले में अस्थायी बस्तियों में रह रहे हैं। कामजोम जिला अपनी पूर्वी सीमा म्यांमार से साझा करता है और यह म्यांमार में 2021 के सैन्य तख्त पलट के कारण शरणार्थियों के आमद से काफी प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। अगला प्रश्न: किस देश ने हिजाब और अन्य विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया है? ए. अफगानिस्तान, बी. तजाकिस्तान, सी. पाकिस्तान, डी. ईरान। आंसर बी. तजाकिस्तान। एक्सप्लेनेशन: तजाकिस्तान सरकार ने महिलाओं के हिजाब को एलियन गारमेंट विदेशी परिधान बताते हुए इसे पहनने पर पाबंदी लगा दी है। 96% मुस्लिम आबादी वाले देश की संसद के उच्च सदन मजलिसी मिल्ली में विधेयक को औपचारिक मंजूरी दी गई है। नए संशोधनों के मुताबिक कानून का उल्लंघन करने पर 60,000 से 5,00,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इतना ही नहीं, वहां घनी दाढ़ी रखने पर भी बैन लगा रखा है। नीट यूजी परीक्षा 2024 में अनियमितताओं के बाद जून 2024 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक के पद से किसे हटा दिया गया था? ए. सुबोध कुमार सिंह, बी. डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, सी. प्रदीप सिंह खरोला, डी. डॉक्टर के राधाकृष्णन। आंसर ए. सुबोध कुमार सिंह। एक्सप्लेनेशन: नीट परीक्षा पर विवाद के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को 23 जून 2024 को उनके पद से हटा दिया गया था। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और एमडी प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला प्रश्न: वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया? ए. आरबीआई के गवर्नर, बी. भारत के प्रधानमंत्री, सी. भारत के राष्ट्रपति, डी. केंद्रीय वित्त मंत्री। आंसर डी. केंद्रीय वित्त मंत्री। एक्सप्लेनेशन: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक 22 जून 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुई। बैठक में परिषद ने सोलर कुक पर 12% जीएसटी लगाने को मंजूरी दे दी गई है।
प्लेटफॉर्म टिकट समेत रेलवे की कई सेवाओं जैसे डॉर्मेट्री, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम और बैटरी ऑपरेटेड वाहनों के इस्तेमाल को वस्तु एवं सेवा कर यानी GST से बाहर कर दिया गया है। सभी दूध के डिब्बों पर 12% की एक समान दर निर्धारित करने की सिफारिश की है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे हादसों से बचने और कम समय में लंबी दूरी तय करने के लिए किस प्रणाली पर काम किया जा रहा है? ए कवच 3.0, बी कवच 3.2, सी कवच 4.0, डी कवच 4.2। आंसर सी कवच 4.0। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रेलवे को हादसों से बचने और कम समय में लंबी दूरी तय करने के लिए कवच 4.0 प्रणाली पर काम किया जा रहा है। इससे पहले भारतीय रेलवे ने कवच के 3.2 संस्करण को तैयार किया था। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि कवच 3.2 संस्करण को अत्यधिक व्यस्त रेलवे मार्गों पर चलने वाली ट्रेनों में स्थापित किया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि कवच 4.0 भारतीय रेलवे के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अगला प्रश्न, विश्व संगीत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 19 जून, बी 20 जून, सी 21 जून, डी 22 जून। आंसर सी 21 जून। एक्सप्लेनेशन, विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है और इस साल ये दिन शुक्रवार को मनाया गया। विश्व संगीत दिवस की अवधारणा 1981 में फ्रांस में उत्पन्न हुई थी। विश्व संगीत दिवस पर दुनिया भर में कई संगीत कार्यक्रम और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्कों का दोहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बना? ए मार्टिन गुप्टन, बी जोस बटलर, सी रोहित शर्मा, डी क्रिस गेल। आंसर सी रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन, T20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए रोहित शर्मा ने 41 गेंदों में 92 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 224.39 के स्ट्राइक रेट से 7 चौके और 8 छक्के जड़े। दिलचस्प बात यह है कि रोहित शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में छक्कों का दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। उनके नाम अब 203 छक्के दर्ज हो गए हैं। दूसरे नंबर पर मार्टिन गुप्टिल हैं जिन्होंने 173 छक्के लगाए। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर के नाम 137 छक्के दर्ज हैं। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी असम, डी बिहार। आंसर बी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। ये गिद्ध एशियन किंग वल्चर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये प्रजाति 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में सूचीबद्ध है। इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र होगा। अगला प्रश्न, 2024 ICC T20 विश्व कप के इतिहास में वेस्ट इंडीज के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर ड्वेन ब्रावो को किसने पीछे छोड़ा? ए केरोन पोलार्ड, बी जसेन होल्डर, सी आंद्रे रसेल, डी सुनील नरेन। आंसर सी आंद्रे रसेल। एक्सप्लेनेशन, आंद्रे रसेल ड्वेन ब्रावो को पीछे छोड़ते हुए T20 विश्व कप इतिहास में वेस्ट इंडीज के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 ओवरों में 19 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इन 2 विकेटों के साथ रसेल ने T20 विश्व कप के इतिहास में अपने विकेट की संख्या 29 कर ली। ये किसी भी वेस्ट इंडीज गेंदबाज द्वारा लिया गया सबसे ज्यादा विकेट है। इससे पहले ये रिकॉर्ड ड्वेन ब्रावो के नाम था जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में 27 विकेट लिए थे। हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने ICC T20 विश्व कप 2024 सुपर 8 में वेस्ट इंडीज टीम को हरा दिया। अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? ए भूटान, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। आंसर डी बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बांग्लादेश के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद घोषणा की कि भारत चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। इसके अलावा बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए रंगपुर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की पहल की है। बांग्लादेश नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के लिए महत्वपूर्ण भागीदार है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया? ए ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी JP नड्डा, सी शिवराज सिंह, डी गिरिराज सिंह। आंसर बी JP नड्डा। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हाल ही में राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया।
साथ ही उन्होंने इस अभियान के लिए लोगो, पोस्टर, रेडियो स्पॉट और ऑडियो विजुअल जैसी आईसी सामग्री भी जारी की। इस अभियान का उद्देश्य बचपन में होने वाली डायरिया से बच्चों की मृत्यु को शून्य करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? ए तंजानिया, बी आर्मेनिया, सी उज्बेकिस्तान, डी यूएई। आंसर ए तंजानिया। एक्सप्लेनेशन, विशेषज्ञों के अनुसार नेट्रॉन झील पर राजहंसों फ्लेमिंगोज की आबादी लगातार घट रही है। इसके पीछे प्रतिकूल मौसम और अतिक्रमण को कारण बताया गया है, जिससे पक्षी कम संख्या में वापस लौट रहे हैं। नेट्रॉन झील उत्तर तंजानिया में केन्या की सीमा पर स्थित एक खारे पानी की झील है। यह एक रामसर साइट भी है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला किस टीम से होगा? ए न्यूजीलैंड, बी इंग्लैंड, सी साउथ अफ्रीका, डी अफगानिस्तान। आंसर बी इंग्लैंड। एक्सप्लेनेशन, भारत 24 जून 2024 को सेंट लुसिया में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। 27 जून 2024 को गुयाना में सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अगला प्रश्न, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए जगन मोहन रेड्डी, बी जेपी नड्डा, सी ओम बिरला, डी के सुरेश। आंसर सी ओम बिरला। एक्सप्लेनेशन, ओम बिरला को एक बार फिर लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। बता दें कि नई मोदी सरकार के लिए पहले शक्ति परीक्षण में विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ अपने उम्मीदवार के सुरेश को मैदान में उतारा था। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। वह दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने वाले छठे स्पीकर है। अगला प्रश्न, जून 2024 को 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता एलओपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए मल्लिकार्जुन खड़गे, बी केसी वेणुगोपाल, सी सोनिया गांधी, डी राहुल गांधी। आंसर डी राहुल गांधी। एक्सप्लेनेशन, 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता एलओपी के रूप में राहुल गांधी को नियुक्त किया गया। 2014 से 2024 तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था, क्योंकि कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीटों की आवश्यक न्यूनतम 10% सीटों को पूरा नहीं कर पाया था। अगला प्रश्न, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ए 20, बी 25, सी 27, डी 29। आंसर डी 29। एक्सप्लेनेशन, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने 3 स्वर्ण, 6 रजत और 20 कांस्य सहित कुल 29 पदक के साथ 8वें स्थान पर रहा। मेजबान रूस 266 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में टॉपर रहा। बेलारूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। 2024 ब्रिक्स गेम्स रूस के कजान में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न, केरल विधानसभा द्वारा पारित केरल राज्य का नया प्रस्तावित नाम क्या है? ए केरलम, बी केरला, सी केरलम, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए केरलम। एक्सप्लेनेशन, केरल विधानसभा ने 24 जून को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव किया गया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रथम अनुसूची में इस परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 को लागू करने का आह्वान किया। केरल शब्द मलयाली भाषा के केरलम शब्द का अंग्रेजी रूप है। भारतीय टीम कितनी बार आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंची? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। आंसर सी तीसरी। एक्सप्लेनेशन, भारत ने टी20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम तीसरी बार टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। इससे पहले 2007 और 2014 में टीम इंडिया ने फाइनल खेला था। दोनों संस्करण में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान रहे थे। अब भारत का सामना 29 जून को बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका से खिताबी मुकाबले में होगा। अगला प्रश्न, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया? ए श्रीनगर, बी उदयपुर, सी पटना, डी लखनऊ। आंसर ए श्रीनगर। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल WCC ने श्रीनगर शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी WCC टैग प्रदान किया है। ये टैग WCC द्वारा दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में स्थानीय शिल्पकारों और समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2014 में की गई थी। अगला प्रश्न, केरल के किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है?
ए तिरुवनंतपुरम, बी कोझिकोड, सी कन्नूर, डी कोची। आंसर बी कोझिकोड। एक्सप्लेनेशन: केरल के उत्तर में स्थित कोझिकोड शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। ये शहर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। इसकी घोषणा यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत की गई है, जिसे 2004 में शुरू किया गया था। वर्तमान में दुनिया भर के लगभग 300 शहर इस नेटवर्क का हिस्सा है। अगला प्रश्न: हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी नीति आयोग, सी विश्व बैंक, डी UNCTAD। आंसर डी UNCTAD। एक्सप्लेनेशन: हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई। रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में 2% की मामूली कमी आई है। विकासशील देशों में FDI प्रवाह 7% गिरकर $867 अरब हो गया है। UNCTAD व्यापार और विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की अग्रणी संस्था है। अगला प्रश्न: कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? ए ब्राजील, बी थाईलैंड, सी भारत, डी चीन। आंसर सी भारत। एक्सप्लेनेशन: भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद यूरोपीय संघ, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका है। वैश्विक चीनी खपत में लगभग 15% और चीनी उत्पादन में लगभग 20% हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए लुइस मोंटेनेग्रो, बी विक्टर ओरबान, सी पेड्रो सांचेस, डी मार्क रूटे। आंसर डी मार्क रूटे। एक्सप्लेनेशन: नाटो ने मार्क रूटे को अपना अगला महासचिव नियुक्त किया। नीदरलैंड के निवर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूटे नाटो के नए महासचिव होंगे। ब्रसल्स स्थित मुख्यालय में एक बैठक के दौरान नाटो राजदूतों द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई। वे 1 अक्टूबर को वर्तमान महासचिव नॉर्वे के जेम्स स्टोल्टेनबर्ग से कार्यभार ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न: भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए शिमला, बी नैनीताल, सी देहरादून, डी धर्मशाला। आंसर ए शिमला। एक्सप्लेनेशन: भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का शिमला में उद्घाटन किया गया। संग्रहालय का उद्घाटन भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया। ये संस्थान की समृद्ध विरासत और राष्ट्र के शासन में योगदान के संरक्षण और उत्सव में एक मील का पत्थर है। ये कैट संस्था के विकास, उपलब्धियों और मील के पत्थरों को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न: भारत की कौन सी सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है? अगस्त्यवनम जैविक उद्यान, बी बन्नेरुघट्टा जैविक उद्यान, सी सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, डी नाहरगढ़ जैविक उद्यान। आंसर बी बन्नेरुघट्टा जैविक उद्यान। एक्सप्लेनेशन: भारत की सबसे बड़ी और तीसरी तेंदुआ सफारी बेंगलुरु के बन्नेरुघट्टा जैविक उद्यान BBP जनता के लिए खोल दी गई है। कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने इस तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया है। फिलहाल सफारी में 8 तेंदुओं को छोड़ा गया है। बन्नेरुघट्टा जैविक उद्यान में पहले से ही अपने XC2 संरक्षण कार्यक्रम के तहत शेर, बाघ और स्लोट भालू हैं। इस उद्यान के चिड़ियाघरों में मांसाहारी जानवरों की सबसे बड़ी संख्या है। अगला प्रश्न: महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? ए देवी अनिबा जला, बी हिमा दास, सी किरण पहल, डी स्नेहा के। आंसर सी किरण पहल। एक्सप्लेनेशन: हरियाणा की किरण पहल ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने पंचकुला में राष्ट्रीय अंतर राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर में 50.92 सेकंड का समय निकाला। अगला प्रश्न: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने NCR में वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य रखा है? ए 4.0 करोड़, बी 4.5 करोड़, सी 5.0 करोड़, डी 5.5 करोड़। आंसर बी 4.5 करोड़। एक्सप्लेनेशन: NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने NCR राज्य सरकारों में संबंधित विभिन्न निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के लिए 4.5 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले वर्ष पूरे NCR में लगभग 3.85 करोड़ नए वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से वर्ष के दौरान लगभग 3.6 करोड़ वृक्षारोपण सफलतापूर्वक पूरे किए गए।